विधानसभा चुनाव में मिली हार से मायावती ने लिया सबक। बहुजन समाज पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर बना लिया बड़ा गेम प्लान। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आम चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुट गई हैं। बसपा नगर निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ने जा रही है। इसके पीछे पार्टी का मकसद पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। एक समय में अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी केवल एक ही सीट पर सिमट कर रह गई थी। इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए अब मायावती नगर निकाय चुनावों में उतरने का फैसला किया है, ताकि संगठन को फिर से पुराने लेवल पर ले जाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए यहां पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी। इसके आगे आपको बताएं तो प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग का जिम्मा जिला कमेटी को सौंपा गया है। सीमित नगर निगमों में पार्षद के प्रत्येक पद के साथ साथ नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सदस्यों के लिए 3 नामों के अंकित चयन के लिए प्रभारी क्षेत्र के अग्रेसित करेगी। उम्मीदवार की जीत योग्यता चयन का मुख्य मानदंड होगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपना बायोडाटा जिला सीमित के पास जमा करें। बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने कहा कि मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए उम्मीदवारों की पार्टी के केंद्रीय सीमित द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। बसपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश अम्बेडकर ने कहा कि पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक संभाग में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी ने नगर निगम चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला किया है। एक बार वार्डों का परिसीमन और सीटों का आरक्षण पूरा हो जाने के बाद पार्टी उम्मीदवारों का चयन शुरू करेगी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी ने एक बार फिर निचले स्तर पर बैठक करने का फैसला लिया है। इन बैठकों के बाद ही वार्ड के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। बीएसपी की कोशिश है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जिताए जाएं, जिसका लाभ आने वाले आम चुनाव में मिल सके। आगे की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के दौरान पार्टी युवा वफादार और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को वीरता देगी। बसपा ने 2017 के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। इसने 2 महापौर पदों, 26 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, 45 नगर पंचायत अध्यक्षों, 246 नगर पालिका परिषद सदस्यों, 211 नगर पंचायत सदस्यों और 147 नगर सेवकों को जिताकर राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंका दिया था। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कवायद में लगी हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जुटी बसपा को स्थानीय निकाय चुनाव में अपने खोए हुए राजनीतिक क्षेत्र को फिर से हासिल करने में जुट गई है। हाल ही में संपन्न हुए यूपी चुनाव में बसपा का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा था। नगर निगम के चुनाव के बहाने बसपा अपने कैडर के मनोबलों को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी कुछ पूर्व विधायकों को यूएलबी में उतारने के भी विचार कर रही है। 2017 के निकाय चुनाव में बसपा ने 2 नगर निगम सीटें अलीगढ़ और मेरठ जिताने में कामयाबी हासिल की थी। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके 10 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भीमराज दस्तक।